So this is a bad news for us yesterday because हमें जो है कल पैराग्लाइडिंग करने को नहीं मिला. बहुत लोग थे वहाँ पे, 10-15 लोग थे, काफ़ी लोग थे, लेकिन जो ग्लाइड करने वाले थे, जो फ्लाइट करने के लिए तैयार थे, उनमें से बस 7 लोग रेडी थे. लेकिन हमें पता चला जब हम ऊपर गए, वहाँ पे जो मेरा दोस्त था उसका पहले टेक ऑफ हो चुका था, उसने फ्लाई कर लिया था क्योंकि अकॉर्डिंग टू वेट, क्योंकि उसका थोड़ा वेट जो है वो भी ज़्यादा, वो कम था इन कंपैरिजन ऑफ माइन. सो वो लोग पहले चले गए. लेकिन जब अपना टाइम आया, क्योंकि हवा जो है सूटेबल नहीं था उड़ान भरने के लिए, इसलिए जो है हमारा जो फ्लाइट है वो कैंसिल कर दी गई. पहुंच गया सबसे ऊपर टॉप में. इधर हूँ. अभी पता नहीं यहाँ पे हवा है कि नहीं, हम लोग को मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं पता. बहुत लोग को इसका लोकेशन पता होगा, स्पेशली इन कोकराझार. बहुत ही पॉपुलर है, पिकनिक स्पॉट के सामने है धीरबिल. अगर आप लोग कोकराझार के आसपास हो, चाहे शिरांग डिस्ट्रिक्ट में हो, बोंगाईगांव में हो, या फिर बागसा, या फिर आप इस तरफ मैं ले लो धुबरी या बिलासीपुरा में, तो आप इजीली जो है एक्सेस कर सकते हो. दहल गेटिंग रेडी. अरे वापस, आज का फ्लाई नहीं हो पाया, हवा नहीं है, अफसोस. टाइम आज हमारे फेवर पे नहीं था, तो जा रहे वापस. सब पैकिंग कर रहे हैं यहाँ पे. सो नेक्स्ट टाइम विल सी, नेक्स्ट टाइम हम देखते हैं. अभी सो सब पैकिंग कर रहे हैं यहाँ पे वापस चलने के लिए, क्योंकि फ्लाइट तो हमारा हो नहीं पाया. यहाँ पे भी ऐसे बैठ गया बेचारी. उड़ने के लिए तैयार, सब रेडी हो चुका था. और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका इन नवंबर को पैराग्लाइडिंग की कंपटीशन होने वाली है. आई थिंक इट्स अराउंड 13 or 14. तो वहाँ पे अगर आप इंटरेस्टेड है, जो पहले ये सब इवेंट्स कर चुके हैं, तो दे कैन जॉइन, दे कैन पार्टिसिपेट इन इट. और इसका जो प्राइस मनी है, इसका जो फर्स्ट प्राइस है वो 2 lakhs है समथिंग. सो यू कैन सी इन द स्क्रीन राइट हियर. सो नेक्स्ट टाइम हम फिर जाएंगे वहाँ पे, अगले हफ्ते फिर जाएंगे, अगर हवा जो है टाइम के साथ देखना पड़ेगा, सूटेबिलिटी के साथ. बहुत ही ज़रूरी है उड़ान भरने के लिए, सूटेबल है तो हम लोग कॉन्टैक्ट करेंगे, फिर वहाँ पे जाएंगे. सो दैट्स ऑल गाइस, विल सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग.